आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 12 दिसंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चक्रवाती तूफान मैडूस ने किन किन राज्यों को प्रभावित किया है? तो इनका सही आंसर होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य, तमिलनाडु राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य को। इन सभी राज्यों को चक्रवाती तूफान मैडूस ने प्रभावित किया है। चलिए ध्यान देंगे, पूर्व अनुमान है कि बादल छाए रहेंगे और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकते हैं। मौसम विज्ञानी एच पी चंद्रा के अनुसार चक्रवाती तूफान उत्तर बंगाल की खाड़ी की ओर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतवर्ष में भौगोलिक संकेत टैग के मामले में छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ जीआई टैग के मामले में दूसरे स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, अभी तक कुल 1218 प्रजातियों को जीआई टैग मिल चुका है। धान में बस्तर और सरगुजा अंचल में विविधता बहुत अधिक पाई गई है। भारतवर्ष में भौगोलिक संकेत टैग के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय एवं ग्राम पंचायत मिलकर भौगोलिक संकेत टैग के पंजीयन का कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ के 1785 की स्कूल द्वारा 68 फसलों को चिन्हित कर जीआई टैग हेतु पंजीयन कराया गया था, जिनमें से अभी तक कुल धान की 339 किस्में, सरसों की 3 किस्में और टमाटर की 1 किस्म को कुल मिलाकर 343 किस्में को जीआई टैग मिल चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में पहले दिव्यांग विभाग की स्थापना किस राज्य सरकार ने किया है? इनका सही आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने भारत में पहले दिव्यांग विभाग की स्थापना किया है। चलिए ध्यान देंगे, महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह शैक्षणिक और व्यावसायिक रूप से राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा करने के लिए स्थापित किया गया है। यह दिव्यांगों के कल्याण को सुनिश्चित करने और उनके लिए बनी विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास करता है। विभिन्न दिव्यांगों के लिए 2000 विशेष प्रशिक्षकों को नियुक्त करने की उम्मीद है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ देश का कितने नंबर का राज्य है जहाँ RTI के तहत आवेदक ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ देश का 6वां राज्य है जिसमें RTI के तहत ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान देंगे, भारत में छत्तीसगढ़ 6वां राज्य है जहां आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर जिसमें जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी आवेदन देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से लागू है, इसे भी ध्यान देंगे क्योंकि ईशन क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इनका सही आंसर है भारतीय मूल के कृष्ण वबीलाला को US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान देंगे, भारतीय अमरीकी कृष्ण वबीलाला को अपने समुदाय और देश के लिए उनके योगदान के लिए प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वह आंध्र प्रदेश से हैं और फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडी के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं, इसे भी ध्यान देंगे। द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स अमरीकी कॉप्स के नेतृत्व में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख महालेखाकार किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही आंसर है यशवंत कुमार को छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख महालेखाकार नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, भारतीय लेखा सेवा 1984 बेस के यशवंत कुमार छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख महालेखाकार होंगे। वे राजकोट गुजरात से स्थानांतरित किए गए हैं। कुमार DR पाटिल के स्थान लेंगे। पाटिल को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कब आयोजित किया जाएगा? इनका सही आंसर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा।
चलिए ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 12 दिसंबर को पूरे भारत के 197 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियां भाग लेगी। कार्यक्रम के दौरान 5वीं से 12वीं उत्तीर्ण और कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारक तथा ITI डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थानों और छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर कहाँ सिद्ध बाबा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इनका सही आंसर है महेंद्रगढ़ में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर सिद्ध बाबा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान देंगे, प्रदेश में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर 1,75,00,000 रुपये की लागत से महेंद्रगढ़ स्थित सिद्ध बाबा मंदिर पर निर्माण किया जा रहा है। मकर संक्रांति से भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। 85 मीटर ऊंचे सिद्ध बाबा पहाड़ पर 117 साल पहले निजी कोयला खदानों से काम करने वाले श्रमिकों ने छोटे से मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद से यहां हर साल मेला लगता है। बताया जाता है कि प्रयागराज में जिस तरह एक पेड़ की जड़ से 3 पौधे निकले हैं, उसी तरह यहाँ भी दुर्लभ संयोग से नीम, पीपल और बरगद का पेड़ एक ही जड़ से निकला है। ध्यान देंगे, सिद्ध बाबा का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में प्रथम मोबाइल जनसेवा वाहन का उद्घाटन किसने किया है? इनका सही आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मोबाइल जनसेवा वाहन का उद्घाटन किया है। ध्यान देंगे, राज्य युवा मितान क्लब के सदस्य इनमें अपनी सेवाएं देंगे। ग्रामीणजनों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए मोबाइल जनसेवा वाहन चलाया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य युवा मितान क्लब द्वारा जनसेवा की पहल के तहत प्रथम मोबाइल वाहन का उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ 11वें स्थान पर है। ध्यान देंगे, दुष्कर्म के मामले में राज्य 5वें स्थान से 11वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं दुष्कर्म के प्रयास में 10वें स्थान से 16वें स्थान पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर 18वें स्थान पर है। इसे भी ध्यान देंगे, कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में पिछले 4 सालों में महिलाओं पर अपराध 62% की कमी आई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मेघावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2022 के तहत कितने लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है? इनका सही आंसर है 1,00,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।